हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योर हेल्थ डॉक्टर में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, अनीमिया से बचना है तो आपको यह उपाय करने पड़ेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि अनीमिया बीमारी क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसे कैसे बचा जा सकता है। अनीमिया तब होता है जब खून में पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर शरीर में कम या असामान्य हीमोग्लोबिन हो तो आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसके कारण थकान महसूस होने लगती है। महिलाओं, बच्चों और लंबे समय से चल रही बीमारी से पीड़ित लोगों के शरीर की इम्यूनिटी बेहद कम हो जाती है और उन्हें अनीमिया आसानी से जकड़ सकता है। अनीमिया के क्या लक्षण होते हैं? थकान, कमजोरी, त्वचा का पीला होना, दिल की धड़कन का असामान्य होना, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना, सीने में दर्द, हाथों और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द, इन कारणों से होता है अनीमिया। अगर आप स्वस्थ आहार ना ले रहे हो, आपके आहार में आयरन, विटामिन B12 और फॉलेट की कमी हो तो एनीमिया होने का जोखिम हो जाता है। अगर आप गर्भवती हैं और फॉलिक एसिड के साथ मल्टीविटामिन ना लेती हो तो आपको एनीमिया होने का जोखिम हो जाता है। अगर लंबे समय से कोई बीमारी जैसे कैंसर, गुर्दों की विफलता या कोई अन्य बीमारी हो तो आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इन बीमारियों के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो सकती है। अगर आपके परिवार में एनीमिया होने का इतिहास हो तो आपको भी अनीमिया हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी संक्रमण या रक्त से संबंधित बीमारी का इतिहास हो तो अनीमिया आपको हो सकता है। आइए हम आपको बताते हैं कि अनीमिया से क्या बचना, कैसे बचा जा सकता है और इसके लिए क्या आपको खाना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है पालक। पालक में कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर को स्वस्थ रखता है। दूसरी चीज है सोयाबीन। सोयाबीन आयरन और प्रोटीन से युक्त होता है और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करता है। अगला फल है चुकंदर। लाल रंग का चुकंदर आयरन युक्त होता है। यह आपके लाल रक्त कोशिकाओं को ठीक करने के साथ उन्हें दोबारा सक्रिय बनाता है। अगली चीज है टमाटर। टमाटर विटामिन सी और लाइकोपीन होता है जो आयरन का अवशोषण करने में मदद करता है, इसलिए टमाटर भी खाना चाहिए। अगली चीज अंडा। अंडे में प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के विटामिन की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं। अगली चीज है अनार। अनार विटामिन सी और आयरन युक्त होता है। यह शरीर के रक्त प्रभाव और अनीमिया में लक्षणों जैसे थकान, चक्कर आना और सुनने में परेशानी में सुधार लाता है। अगली चीज है साबुत अनाज। आप चाहें तो साबुत अनाज की रोटी खा सकते हैं जो आयरन युक्त होती है। यह आयरन की कमी को पूरा करने के लिए प्रभावी होता है। अगली चीज है सी फूड। सी फूड जैसे मछली आयरन से भरपूर होती है और अनीमिया से लड़ने में मदद करती है। अगली जो चीज है वह शहद। कॉपर और मैग्नीशियम से भरपूर शहद शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। शहद को नींबू पानी के साथ पीना अनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि अनीमिया क्या होता है और कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।